नेक्स्ट है आपका कोरिलेशन, कोरिलेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. व्हाट इज कोरिलेशन? कोरिलेशन इज अ स्टैटिकल मेथड और स्टैटिकल टेक्निक दैट मेजर क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल. दो के बीच में कोई रिलेशनशिप निकालना, लाइक मैं कह सकती हूँ प्राइस एंड डिमांड, इनके बीच में रिलेशनशिप निकालना, तो ये कोरिलेशन था. तो कोरिलेशन के मेथड कितने हैं? कोरिलेशन के आपके एक है कार्ल पियर्सन मेथड, जो बहुत पूछा जाता है कार्ल पियर्सन मेथड. इस मेथड के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? मीन निकालना पड़ेगा. मीन के अकॉर्डिंग हम सीरीज को सॉल्व करते हैं. मीन निकालने के बाद हम नॉर्मली जैसे हम डेविएशन निकालते हैं तो दो सीरीज होंगी इसमें. जैसे मैंने बताया टू सीरीज के रिलेशन नहीं बताना है तो टू सीरीज के बीच, टू थिंग्स के बीच में होगा तो टू सीरीज के बीच में होगा. तो यहाँ पर है डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज मल्टीप्लाई डेविएशन ऑफ वाई सीरीज डिवाइड बाई ऑफ अंडर रूट डेविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स सीरीज डेविएशन ऑफ वाई स्क्वायर यानी सेकेंड सीरीज का डेविएशन. ये था हमारा कार्ल पियर्सन मेथड. सेकेंड मेथड है हमारा, वो कहलाता है आपका शॉर्टकट मेथड. ठीक है, शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या हुआ है? इट्स अ लॉन्ग फॉर्मूला, बट इसमें मीन नहीं निकालना है. आप डायरेक्ट इसको, जैसे हमने मीन नहीं निकालना है, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, एज्यूम मीन लेकर या हम वैल्यू लेकर सॉल्व कर सकते हैं. तो किस तरीके से है ये? ये है आपका समीशन ऑफ डी एक्स इंटू डी वाई डेविएशन ऑफ एक्स एंड डेविएशन ऑफ वाई माइनस डेविएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई डेविएशन ऑफ वाई. देखिए ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है. इसमें है दोनों का मल्टीप्लाई करना, यहाँ पर सेपरेट वैल्यू अलग अलग लिख के मल्टीप्लाई करना. डिवाइड बाई ऑफ एन देन अंडर रूट ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डेविएशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन. ये पूरे में नहीं है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ इतने तक होल स्क्वायर है. मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट डेविएशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस डेविएशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ऑफ एन. ये है आपका शॉर्टकट मेथड. क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको किस मेथड से करना है, और अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो किस मेथड से करना है तो आपको जो मेथड अडॉप्ट करना है आप उस मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हो. तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिस तरीके से मैं दोनों मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी. पहले हम कॉल पियर्सन मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर हम इसको शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन क्या है हमारे पास? टू सीरीज हमें गिवन दे रखी है. एक्स है हमारे पास, एक्स हमें दे रखा है, एक्स हमें दे रखा है आपका 10, 12, 14, 16 एंड 18, राइट. और हमें जो y दे रखा है, y हमें दे रखा है आपका, हमें जो y दे रखा है वो हमें दे रखा है 20, 29, 21, 22 एंड 28 दे रखी है. अब हमें क्या करना है? पहले हमने आपको बताया था इसका मीन निकालना पड़ेगा, यानी दोनों की अलग अलग सीरीज का मीन निकालना पड़ेगा. कॉल पियर्सन के लिए ये है, पहले आप मीन निकालोगे, मीन निकालने के बाद डेविएशन निकालोगे. तो मीन निकालने के लिए मीन ऑफ एक्स निकालते हैं एक्स सीरीज का. तो इन सबको प्लस करेंगे, इनको हमने प्लस किया है, यह है आपका 70. देन 70 डिवाइड बाई 1, 2, 3, 4, 5. इसका मीन कितना निकलता है? हम इसका मीन निकाल लेते हैं. इसका मीन हमारा निकल जाता है 14. कितना निकलना है? 14. ठीक है, अब हम निकालते हैं मीन ऑफ वाई. नेक्स्ट हम निकालेंगे मीन ऑफ वाई निकालेंगे. मीन ऑफ वाई के लिए क्या करना है आपने? मीन ऑफ वाई में हमने टोटल करना है 120 डिवाइड बाई 5 करेंगे. कितना आ जाएगा आपका? कितना आपका आ जाएगा? 24. ये कितना है आपका? 24. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हमने क्या करना है? डेविएशन निकालना है. डेविएशन कैसे निकालना है ये भी आप ध्यान से देख लीजिए. हम डेविएशन कैसे निकालते हैं? डेविएशन निकालने के लिए हमने क्या करना है? जो हमारा मीन आया है उससे से निकालना है आपने. यानी कि आप जो मीन है हमारा एक्स बार है, तो यानी कि ये हो जाएगा डेविएशन एक्स माइनस एक्स बार. निकालोगे कितना है आप? 10 में से 14 गया, कितना बचेगा आप? माइनस 4, फिर माइनस 2, 0, 2 एंड 4. फिर ये है आपका डेविएशन ऑफ स्क्वायर. निकालोगे डेविएशन ऑफ स्क्वायर, निकालोगे 16, 4, 0, 4, 16. अभी लगे हाथ इसका टोटल भी कर लेते हैं हम लोग, बिकॉज ऑफ दैट हमें ज़रूरत पड़ेगी. इसका करोगे तो कितना आ जाएगा? आप टोटल कर लीजिए इसको, 6 और 6 0 आ जाएगा. इसका करेंगे हम तो ये आ जाएगा 16 और 16 20, 20 एंड 20 40. ये आपका 40 आ जाएगा. ओके, अभी हम इसको करते हैं वाई का निकालते हैं. तो वाई का निकालेंगे तो वाई का हम किस हिसाब से निकालेंगे? वो हम निकालेंगे y माइनस वाई बार. क्या निकालेंगे? y माइनस वाई बार. तो हमारा 24 है तो हम माइनस करेंगे 24 का. तो हम करते हैं माइनस 4, हम करते हैं 5 माइनस 4, 5 माइनस 4, 5
देन हम करेंगे इसको करेंगे माइनस थ्री माइनस टू एंड फोर, इसका हम स्क्वायर करेंगे 16, 25, 9, 4, 16 हम टोटल कर लेते हैं। देन समीशन ऑफ डिवीशन ऑफ y 0 इसको हम करते हैं, इसको हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा, हम टोटल करते हैं 65, 25, 9, 4, 16, 10, 70। ओके, हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें चाहिए था, कॉल पियर्सन मेथड में फॉर्मूला था हमारा ये डेविएशन ऑफ x मल्टीप्लाई डेविएशन ऑफ y, तो डेविएशन ऑफ x मल्टीप्लाई डेविएशन ऑफ y हम वो करते हैं। ये देखिए दिस वन मल्टीप्लाई बाय दिस वन, इनको हम करते हैं 4 4 जा 16 माइनस माइनस प्लस, ओके नेक्स्ट कितना आ जाएगा 5 और 4 5 टू द 10 मगर माइनस का बिकॉज ऑफ एक माइनस के हैं, देन 0 का 0 में करेंगे, देन आएगा आपका माइनस 4 2 2 जा 4 माइनस 4 4 4 जा 16। अब इनकी हम वैल्यू निकालेंगे 2y माइनस y बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, हम निकाल लेते हैं कितना गया आपका 18, ठीक है कितना गया आपका 18। अब हम सब कुछ मिल गया हमें, हमें फॉर्मूले में पुट करना है, हमारा फॉर्मूला क्या था दिस वन, ये हमारा फॉर्मूला था कि समीशन ऑफ डेविएशन ऑफ x इंटू डेविएशन ऑफ y अपॉन डेविएशन ऑफ x स्क्वायर मल्टीप्लाई डेविएशन y स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना है। तो चलिए हम इसको करने की कोशिश करते हैं, हम किस तरीके से करते हैं, r निकालना है यानी कोरिलेशन, पहले हमने क्या करना है ये लेना है आपका दिस वन डिवीजन x इंटू वाई, यानी कि कितना है आपका 18। हम कार्ल पियर्सन मेथड से कर रहे हैं, डिवाइड बाय समीशन ऑफ x स्क्वायर कितना है आपका 40, देन क्या था मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट पूरे में था y स्क्वायर कितना है आपका 70। ये देखिए यहाँ पर मैंने बताया लिखा हुआ है फॉर्मूला कितना है था आपका 70 करते हैं 18 डिवाइड बाय ऑफ सेंट फॉर 2800, ठीक है स्क्वायर रूट देखिए आप अपने हिसाब से निकाल सकते हो, आपको दो वैल्यू इजी लगे आप उसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकालिए, ठीक है उसको सॉल्व करिए, सॉल्व करके आप वैल्यू निकालिए, ठीक है तो स्क्वायर रूट निकालिए 18 अपॉन इसका स्क्वायर रूट, मेन तो स्क्वायर रूट है, अगर स्क्वायर रूट निकालना आपको आ जाता है देन बहुत ईजी हो जाएगा आपका, इसका स्क्वायर रूट आएगा 52.91 अप्रॉक्स आएगा, अब इसको सॉल्व करोगे तो 0.34 आ जाएगा। ये हमने सॉल्व किया कार्ल पियर्सन मेथड के थ्रू, किसके थ्रू कार्ल पियर्सन मेथड के थ्रू। अब सेम क्वेश्चन वी हैव सॉल्व डायरेक्ट मेथड, सॉरी शॉर्टकट मेथड, ठीक है इट्स अ लॉन्ग फॉर्मूला शॉर्टकट मेथड का, तो हम उसके थ्रू सॉल्व करेंगे इसको। चलिए सेम क्वेश्चन है हम लिख रहे हैं, इसे ध्यान से देखिएगा, हमने पहले x लिया है गिवन दे रखा है हमें, सेम ही क्वेश्चन लूंगी मैं 10 12 14 16 एंड 18 और थोड़ा टाइम छोड़कर थोड़ी लाइन पे हम y ले लेते हैं, y क्या था हमारे पास 20 29 21 22 एंड 28 राइट। अब हम इसमें इसमें क्या डिफरेंस है देखिए, इसमें हम एज्यूम मीन लेंगे, क्या लेंगे हम एज्यूम मीन, हमने इसको ले लिया ए एज्यूम मीन, डी एक्स निकालेंगे एक्स माइनस ए होता है हम कर देते हैं, जैसे हम लोग करते थे माइनस फोर माइनस टू जीरो कितना गया टू फोर, इसमें हम एज्यूम मीन मेथड लेके करेंगे, फिर हम डेविएशन स्क्वायर करेंगे डी एक्स स्क्वायर कर लेते हैं हम कितना गया 16 4 0 4 16 ओके कैप ज़्यादा छोड़ दिया कोई इशू नहीं है। चलिए इसमें भी कर लेते हैं हम, हमने 29 को ए ले लिया, ज़्यादातर क्या होता है हम उसी को लेते हैं जो हमने माना हुआ है उसी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, तो डी वाई निकालेंगे, डी वाई निकालेंगे एक्स माइनस एज्यूम मीन माइनस वन माइनस वन प्लस एट ज़ीरो वन सेवन, हम डी वाई स्क्वायर कर लेते हैं, डी वाई स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा, हम डी वाई स्क्वायर करेंगे तो 164 0 149 राइट। एक और था हमारे सीरीज में क्या था डेविएशन ऑफ डी एक्स डेविएशन ऑफ डी वाई, एक्स और वाई दोनों का मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, किसका किसका मल्टीप्लाई कर दिस वन और दिस वन का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है
करते हैं मल्टीप्लाई। चलिए 4 और माइनस 4 माइनस 1 4 हो जाएगा, देन 8 और 4 माइनस का 16, एक प्लस का एक निगेटिव का है, 0 2 देन कितना आपका 28। ठीक है, अभी हमने किसी का टोटल नहीं, हम टोटल कर लेते हैं। देखिए इसका टोटल करेंगे हम, इसकी 4 टू 6 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। समीशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर कर लेते हैं, इसकी टोटल करते हैं, ये आ जाएगा आपका 40। यहाँ पर आते हैं डी वाई कर लेते हैं, इसको हम देखते हैं 7 8 8 8 16 में से 1 गया, कितना बचा आपका 15। ओके, समीशन ऑफ डी वाई स्क्वायर कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपका 115। ठीक है, अगर हम इसको करते हैं समीशन ऑफ डी एक्स इंटू समीशन ऑफ डी वाई, इसको करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 18। कितना आ जाएगा आपका 18। अब हमारा फॉर्मूला अगर आपको याद हो, बिग फार्मूला है, चलिए मैं एक बार लिख देती हूँ, ये तो बिग फार्मूला है। देन आर इज इक्वल्स टू, यानी कोरिलेशन इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ डी एक्स मल्टीप्लाई बाय डी वाई माइनस डी एक्स इंटू समीशन ऑफ डी वाई डिवाइड बाई ऑफ एन एन नंबर स्क्वायर रूट ऑफ समीशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट डी एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ऑफ एन मल्टीप्लाई अंडर रूट समीशन ऑफ डी वाई स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ डी वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ऑफ एन। ओके चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, जितनी जितनी वैल्यूज हमें पता थी हम उसके अकॉर्डिंग इसमें रखते हैं। आर इज इक्वल्स टू डी एक्स इंटू डी वाई, वी हैव 18। डी एक्स इंटू डी वाई कितना है हमारे पास 18। देन हम क्या करेंगे, 18 डी एक्स इंटू डी वाई, ये जो मल्टीप्लाई था हमारे पास, जो हमारे पास है आपका डी एक्स इंटू डी वाई, देखिए समीशन ऑफ डी एक्स जो है, समीशन ऑफ डी एक्स देखिए कितना है आपके पास 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 5। नेचुरल सी पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, बट पहले हम वैल्यूज पूरी लिखेंगे उसके बाद सारा कुछ करेंगे। डी एक्स स्क्वायर जितना था हमारे पास कितना था 40 माइनस डी एक्स कितना था हमारे पास 0, मैंने बताया था 0 है, तो 0 बाय 5, 0 स्क्वायर बाय 5 तो 0 ही होगा, नेचुरल सी बात है। माइनस डी वाई स्क्वायर कितना है आपके पास 115, डी वाई कितना हो गया आपके पास 15 का स्क्वायर डिवाइड बाय ऑफ 5। ओके तो यहाँ पर 18 ये पूरा 0 हो गई, इसकी कोई वैल्यू नहीं, 0 रहेगी अपॉन, यहाँ पर देखिए 40 होगी क्योंकि ये भी पूरा क्या हो गया आपका 0 हो गया। यहाँ पर देखते हैं मल्टीप्लाई में 115 माइनस 15, 5 ज़ा 15 का स्क्वायर सॉरी 225 डिवाइड बाय 5 करेंगे हम, इसको डिवाइड कर लेते हैं, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 45। ठीक है चलिए 18 अंडर रूट ऑफ 40 मल्टीप्लाई बाय, इसको हम करेंगे अंडर रूट ऑफ 70। ठीक है अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करें, इधर साइड ले जाके थोड़ी सी स्पेस की कमी है, तो 18 डिवाइड बाय ऑफ 40 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नेचुरल 40 का स्क्वायर रूट निकालिए, ऐसा करिए तो वही सिंपल बात हो जाएगा 2800 जो हमारा पहले भी आ रहा था। ठीक है अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 18 बाई 2800 की हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2800 का हमें स्क्वायर रूट पहले भी निकाला था, 2800 का स्क्वायर रूट आया था 52.91 हमने निकाला था, देखिए कितना आया था 52.91 तो 52.91 18 डिवाइड बाय फिफ्थ सॉल्व करते हैं मैं 52.91 देन वैल्यू वॉट 0.34 ये वैल्यू आ गया मैंने 0.34। देखिए ये मैंने निकाला शॉर्टकट मेथड से, ठीक है, और जो हमने पहले निकाला था कार्ल पियर्सन मेथड से, देखिए पहले निकाला था हमने कार्ल पियर्सन मेथड 3.34, यानी कि हम कोई भी मेथड अडॉप्ट करें वैल्यू जो होती है वो सेम आती है। ये था आपका कोरिलेशन।